स्वागत है आपका अपने चैनल आरोग्य इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र में सभी 12 राशियों का कोई न कोई स्वामी जरूर है और ये स्वामी 9 ग्रहों में से कोई एक होता है। किसी ग्रह के पास केवल एक ही राशि तो कोई ग्रह दो दो राशियों का स्वामी है। राशि स्वामी यानी ग्रहों की शुभ और अशुभ दशा का व्यक्ति के जीवन और करियर पर भी प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो अपनी राशि के स्वामी ग्रह को शांत और प्रसन्न करने के लिए या कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष हो तो उसे दूर करने के लिए आप नहाने के पानी से जुड़ा उपाय कर सकते हैं। किस चीज को पानी में डालकर स्नान करने से क्या फायदा होगा, यहाँ जानें। सूर्य को शांत करने और प्रसन्न करने के लिए सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। ऐसे में इन राशि के लोगों को जिनकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव सही न हो उन लोगों को भी नहाने के पानी में रोजाना इलायची, केसर, लाल चंदन, मुलेठी या लाल रंग का कोई फूल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रह शांत हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्रमा को शांत करने के उपाय। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामी माना गया है, लिहाजा कर्क राशि वालों को और जिनकी कुंडली में चंद्रमा का अशुभ प्रभाव हो उन लोगों को भी अपने नहाने के पानी में सफ़ेद चंदन या सफ़ेद रंग का कोई फूल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा का बुरा प्रभाव दूर हो जाता है। मंगल को शांत करने के लिए। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, लिहाजा इन राशि के लोगों को और जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह का प्रभाव अशुभ हो उन्हें नहाने के पानी में लाल चंदन, हींग और गुलाब का फूल मिलाकर नहाना चाहिए। बुध ग्रह की शांति के लिए क्या करें। बुध ग्रह को कन्या और मिथुन राशि का स्वामी माना जाता है, ऐसे में इन दो राशि के लोगों को और जिनकी कुंडली में बुध ग्रह का बुरा प्रभाव हो उसे दूर करने के लिए नहाने के पानी में शहद, जायफल या चावल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे ग्रह शांत होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। गुरु ग्रह की शांति के लिए। गुरु को धनु और मीन राशि का स्वामी माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह का अशुभ प्रभाव हो तो नहाने के पानी में हल्दी, शहद और चमेली के फूल की पंखुड़ियां मिलाने से गुरु ग्रह शांत हो जाते हैं। शुक्र ग्रह की शांति के लिए। वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है शुक्र ग्रह को। ऐसे में शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए या अगर कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ हो तो नहाने के पानी में जायफल, इलायची, चंदन और दूध मिलाकर स्नान कर सकते हैं। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।